चौथे चरण के चुनाव के लिए कानपुर में वोटिंग लगातार जारी है और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी। रमेश अवस्थी जी, आपने अभी जाके दर्शन करे मंदिर के, क्या मैसेज था, उसके बाद वोट डालने आए? देखिए, मैसेज तो साफ है, आज लोकतंत्र का महापर्व है तो लोकतंत्र के हिसाब से एक बड़ा दिन है और साथ में आप सोमवार है तो सोमवार आप जानते हैं भोले का दिन है और हम लोग भोले के भक्त हैं, इससे पहले भी दर्शन करते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य था कि आज चुनाव के दिन ही सोमवार पड़ रहा है तो सबसे पहले मैंने जाके बाबा नंदेश्वर के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और मैंने मन में कामना की कि भगवान भोले की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 के पार का, वो पूरा हो, उनका लक्ष्य पूरा हो और साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा है और आज जब जनता वोट डालने जा रही है तो आपके मुताबिक किन मुद्दों पे वोट डाल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास कराए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के लिए काम कराए हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे तमाम योजनाएं जनहित की योजनाएं हो, चाहे हमारा आवास योजना हो या जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके आँखों में चमक, खुशी कैसे आए, उसके खुशियाँ कैसे हों, उन सबके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जनता उसके नाम पर आज वोट दे रही। और जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना शुरुआत से ये मानना था और अपना सपना भी था मेरा, क्योंकि मैं कानपुर करीब लगभग 30 साल से जब रह रहा हूँ तो मैं हमेशा चाहता हूँ कानपुर का जो विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो, कानपुर का जो भी जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, कानपुर जब देश के बड़े 5 शहरों में शामिल था, उसका पुराना गौरव वापस हो। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, सॉरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है और वो दूत के रूप में मैं यहाँ की सेवा कर सकूँ। और ये इसलिए भी और सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं अगर यहाँ कैंडिडेट हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो, और इसलिए मैं यहाँ विकास के एजेंडे के साथ काम कर रहा हूँ, कानपुर विकसित शहर बने ये हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा है, इसके लिए मैं प्रयास कर। आपके लिए प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो बार कानपुर आए, क्या लगता है उतना असर कानपुर की जनता पर पड़ा है इस चीज़ का? असर पूरा कानपुर एक तरफा हो गया, माननीय मोदी जी के नाम पे पहले भी था, मैंने पहले भी कहा कि जब जब मैं जहाँ जहाँ कानपुर गया, कानपुर में घूमा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, स्लम एरिया हो, ऑफिसेज हो, जहाँ जहाँ गया हर जगह कानपुर के मन में मोदी और मोदी जी के मन में कानपुर था। तो ये कानपुर के लोगों ने दिखा दिया कि माननीय प्रधानमंत्री का रोड शो जो सिर्फ लगभग 1.5 किलोमीटर का था, वो कानपुर की जनता ने इतना उन्हें मतलब इतना प्रेम स्नेह दिया कि वो रोड शो 17 किलोमीटर का हो गया, जगह जगह स्वागत किया गया, जगह जगह तोरण द्वार बना के लोगों ने स्वागत किया। तो कानपुर की जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर के मन में मोदी हैं। अब मोदी जी के मन में कानपुर में वो विकास के द्वारा जो काम कराए जाएंगे आपको दिख जाएगा। एक आखिरी सवाल, आज वोटिंग परसेंटेज जो हमने देखा है सुबह से ही लोग जो है बढ़ चढ़ के वोट डाल रहे हैं, इसके पहले अमूमन हमने देखा है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होते थे वहीं पर जो है वोटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है? नहीं देखिए, अभी वोटिंग परसेंट मैं उधर गया नहीं हूँ, लेकिन आप ये मान लीजिए कि मुस्लिम में जब प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, आज मैं मुस्लिम क्षेत्रों में कहीं गया, कई जगह गया, वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनके नाम पर लोग मुस्लिम का भी एक बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राशन मिला, मुझे मकान मिला, मुझे हेल्थ की सुविधा मिली, तो एक काफ़ी संख्या में मुस्लिम वोट दे रहे हैं। और मुस्लिम वर्ग में ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि वो लोग एक वर्ग विशेष पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अभी गया नहीं वहां पर, मैंने देखा नहीं क्या है, लेकिन मैंने यहां देखा है कि जो भी जहां जहां मैं गया वहां भारी उत्साह है वोटिंग ला, 7 बजे से पहले लोग मतदान केंद्रों पर जमा हो गए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे, पूरा कानपुर का वातावरण मोदी में है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ ऐतिहासिक विजय हो रही है और कानपुर के विपक्ष की सबसे बड़ी हार हो रही है और वो अपनी जमानत जब्त ना हो इसकी लड़ाई लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थे रमेश अवस्थी, कानपुर के प्रत्याशी हैं, वोट डालकर बाहर निकले हैं। फिलहाल मैं आपको वोटिंग सेंटर का जो यहाँ पे नज़ारा है वो आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरा पर्सन आपको पीछे से दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आज जो वोटिंग बूथ है उनको यहाँ पर जो है वो सजाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर तिरंगा कलर के जो गुब्बारे हैं उनकी यहाँ पे सजावट करी गई है, चाहे वो आदर्श मतदान केंद्र हो उसे बनाया गया है ताकि जो वोटर हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो आने पाए।